नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIAEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 12 भक्ति नीति और माधुरी को एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIAEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ भक्ति नीति और माधुरी भारत के प्रसिद्ध कवि कबीर, रहीम और सूरदास जी की कुछ रचनाओं पर आधारित है। इस नवाचार क्रियान्वयन के अंदर नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पढ़ाए गए कंसेप्ट शब्दावली व्याकरण कौशल को बढ़ाता है तथा गतिविधि के अंदर आनंद लेता है, पढ़ाए गए कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। यदि हम बात करें नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे व्याकरण कौशल बढ़ता है, तो शब्दावली, वाक्य संरचना, इन सब चीजों का छात्रों को पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इसके अंदर पूर्व प्रबंधन की जहां तक बात है, नवाचारी शिक्षक छात्रों के लिए कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते का बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। गतिविधि के लिए शिक्षक को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। गतिविधि करवाने से एक दिन पहले ही नवाचारी शिक्षक बच्चों को ये निर्देश दे देते हैं कि आपको आज जो पाठ पढ़ाया है उससे संबंधित शब्दावली के कुछ नए शब्द और उससे संबंधित कुछ डायग्राम आपको एक छोटे से कागज की पर्ची पर लिखकर लेकर आने हैं। बच्चे घर से कुछ शब्द और उस शब्द से संबंधित कुछ चित्र बना करके घर से पर्ची पर लिखकर लेकर आते हैं। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नवाचारी शिक्षक सभी बच्चों को ध्यान से देखें कि इस गतिविधि में कक्षा के सभी छात्र एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं या नहीं। सभी छात्र अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब इससे उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ वो इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि छात्र जो पर्ची लेकर आए हैं उससे अब जो गेम खिलवाया जाएगा उसमें कक्षा के सभी बच्चों का नंबर आए। अब नवाचारी शिक्षक बच्चों को इस पर्चियों को इकट्ठा करने से पहले कुछ जानकारी देते हैं। वे उनसे साधारण बात करते हैं कि क्या आपको पता है हम इस बॉक्स का क्या करने वाले हैं? आपको पता है हम आज जो ये गेम खेल रहे हैं, जो आप बता रहे हो कि हम गेम खेलने वाले हैं, इस गेम का नाम क्या है? फिर ऐसे बातें करते करते नवाचारी शिक्षक बच्चों को बताते हैं इस गेम का नाम है शब्द सागर। और क्या आप इस बॉक्स को डेकोरेट करना चाहोगे? बच्चों से जवाब लेकर फिर बच्चों के द्वारा ही उस बॉक्स को कलरफुल चार्ट पेपर के माध्यम से कवर करवा दिया जाता है। बच्चों को खेल से संबंधित नियम समझाए जाते हैं। आप ये जो पर्चियां लेकर आए हैं इन सारी पर्चियों को इकट्ठा करके इस बॉक्स में डाल दिया जाएगा। एक एक बच्चे को आगे बुलाया जाएगा, वो वन बाय वन बच्चा आगे जाएगा, इस बॉक्स में से कोई एक पर्ची निकालेगा, उस पर्ची पर लिखे हुए शब्द को ध्यान से पढ़ेगा। अगर शब्द नहीं पढ़ पा रहा है तो जो आपने डायग्राम बनाया उस डायग्राम को देख करके उस शब्द की पहचान करेगा, और शब्द जब बोल देगा तो उस शब्द से संबंधित कोई एक वाक्य बना करके सबको सुनाएगा। इस प्रकार से सारे खेल के नियम बताने के बाद में एक छात्र को आगे बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक नंबर स्टूडेंट आगे से आता है और खड़ा होकर एक पर्ची निकालता है और उस पर्ची में एक शब्द लिखा हुआ है सूरज, वो सबसे पहले जोर से बोलेगा सूरज, फिर उसका एक वाक्य बनाएगा सूरज पूरब में उगता है। इस प्रकार से इस गतिविधि को कंटिन्यू आखिरी स्टूडेंट तक की जाती है। इस गतिविधि के क्रियान्वित करने से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे बच्चे दूसरों के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जरूरत पड़ने पर उससे संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं। छात्र जो उन्होंने आज जो चैप्टर में कोई जानकारी पढ़ी है और कुछ उनका पुराना पूर्व अनुभव है, उन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग रचनाओं में आए शब्दों के संदर्भ को समझकर उनका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों का ध्यान में रखा गया है, जैसे इस पाठ को प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से बच्चों को चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि जो बच्चे शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं वे उन चित्रों को देख करके
कुछ नई जानकारी ग्रहण करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का भी बढ़ावा होगा। नवाचारी शिक्षक इस नवाचार को क्रियान्वयन करते समय, इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से बच्चों में जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, इनका विकास होता है और साथ ही साथ निहित मूल्य जैसे मैंने आपको बताया आत्मविश्वास का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इस चैप्टर को इस नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।